अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासेब हाशमी और ये है लेक्सस LX 570 2016 मॉडल। ये LX 570 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इस तरह से कि इसमें 8 सस्पेंशन, 360 डिग्री कैमरास, पावर टेलगेट, एंटरटेनमेंट और इसके अलावा मार्क्स एंड लेवेंसन का साउंड सिस्टम भी लिया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारी वजह मैं आपको दे सकता हूँ इस गाड़ी को लेने की। अगर आप इसकी भी कंसिडर कर रहे हैं तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है, इस तरह से कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसके पार्ट्स भी आपको आसानी से मिल जाते हैं और इसके अलावा इसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई और गाड़ी देखते हैं जैसा कि रेंज रोवर या BMW वगैरह, वो गाड़ियाँ टाइम के साथ साथ काफ़ी काम निकालती हैं, फ्रजाइल होती हैं और इसकी वजह से इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। फीचर रेंज रोवर वोग इससे ज़्यादा ऑफर करती है, मैंने उसके रिव्यूज़ भी किए हुए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये गाड़ी उनसे बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और पावरफुल भी है। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक लेक्सस की तो ये 2016 मॉडल है, 20 इंपोर्ट है, 21 रजिस्टर्ड है, इस्लामाबाद नंबर लगा हुआ है और इसकी डिमांड 6,25,00,000 है। ये गाड़ी साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आप इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के किट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर स्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफिन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप प्री फेसलिफ्ट वाली LX 570 को फेसलिफ्ट भी करवा सकते हैं साइकिल मोटर स्पोर्ट से। Overall, it's a great LX 570 and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये LX 570 2016 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी बाय द वे फेसलिफ्टेड है। फेसलिफ्ट की भी नहीं है, कंपनी से फेसलिफ्ट आई है। इसका फेसलिफ्ट एक बार आया है जिससे इस गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर दी गई। अगर आप प्री फेसलिफ्ट LX 570 देखें तो वो मोर और लेस लैंड क्रूजर विगेट जैसी ही है। बैक से ये गाड़ियाँ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगती हैं लेकिन फ्रंट से इन गाड़ियों में थोड़े बहुत चेंजेस थे, बट ये गाड़ी एक प्रॉपर बीस्ट है। फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई थी, इंक्लूडिंग बोनट, फेंडर, फ्रंट बम्पर, इसके अलावा फिर बैक पे भी बम्पर, टेल लाइट्स, टेल गेट और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और इंटीरियर भी बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई हैं जिससे इस गाड़ी की लुक पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की फ्रंट लुक की तो इस गाड़ी में हेडलाइट्स बहुत पॉइंटी सी दी गई हैं जो कि लेक्सस का सिग्नेचर है बेसिकली। इसमें 3 प्रोजेक्शन लेंथ दिए गए हैं, LX 600 में भी ये ऐसे ही आते हैं। इसके अलावा नीचे काफ़ी बड़ी DRL दी गई है और इसी के नीचे फिर इंडिकेटर आता है काफ़ी मैसिव। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की फॉग लैंप भी फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है, इस तरह से कि जो भी लाइट जल रही है ये फॉग लैंप है, लेकिन इसके अंदर एक और प्रोजेक्शन लैंप भी है, ये बेसिकली इसकी कॉर्नरिंग लाइट है। अब जैसे ही टर्न करेंगे लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ तो फिर ये ऊपर वाला प्रोजेक्शन लैंप ऑन होगा जो कि सिर्फ इसी तरफ लाइट थ्रो करेगा, इसका फेस भी इसी तरफ ही है, तो मेरे ख्याल से ये एक मजे की चीज़ है। और इसके अलावा फीचर की बात की जाए अगर यहाँ पे तो इसमें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, हेडलाइट वॉशर दिए गए हैं और इसका लेक्सस का साइन भी प्रिंटेड है क्योंकि इसके अंदर रडार के सेंसर आते हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा अभी इंटीरियर में जाके। और इसके अलावा फिर फ्रंट पे यहाँ पे एक कैमरा भी दिया गया है जो कि इस गाड़ी का फ्रंट का व्यू देता है आपको। फिर इसके फ्रंट पे काफ़ी बड़ी एक्स शेप की ग्रिल दी गई है लेक्सस की, नीचे बॉडी किट्स लगी हुई हैं और इसके बोर्ड के लुक भी बहुत एग्रेसिव हैं। आप अगर इंटीरियर से बैठ के इस गाड़ी के बोर्ड को देखें तो इसमें आपको काफ़ी शार्प कट लाइंस नजर आएंगी जो कि इसकी लुक को बहुत मजे का बना रही हैं। इसके अलावा वाइपर्स गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं, हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं और ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर दिए गए हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी एलिगेंट है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी का फेंडर भी चेंज कर दिया गया है और रिम भी, रिम अब इसमें किस इंचेस के आते हैं जो कि मैं आगे डिटेल में कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए साइड से फीचर्स की तो फीचर ये गाड़ी बहुत सारा ऑफर करती है। अगर बात की जाए इसी साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है, ये हीटेड भी है, इसमें नीचे कैमरास भी दिए गए हैं 360 डिग्री कैमरा सेटअप के और इसके अलावा इसमें पेडल लैंप भी आता है, तो एक साइड मिरर में जितनी चीज़ें आ सकती थी इसमें दे दी गई हैं। और इसके अलावा फिर अगर बात की जाए इसके डोर हैंडल्स की तो इसमें सॉफ्ट अनलॉक चारों ही डोर हैंडल्स में आता है, यानी कि मैं कहीं से भी इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। इसके अलावा इसके डोर हैंडल के अंदर एक क्रोम दिया गया है, विंडोज़ के आसपास भी क्रोम की फ्रिल्स आती हैं जो कि इसको लुक को अच्छा बना रही हैं और इसमें फ्री साइड स्टेप्स भी दिए गए हैं जो कि रात के टाइम इल्यूमिनेट करते हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, साइज के लिहाज से ये गाड़ी फुल साइज SUV है, यानी कॉम्पिटिशन इस गाड़ी का रेंज रोवर वोग बनती है, ये कैडिलैक स्प्लिट वगैरह बनती है और ये गाड़ी उन सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन फीचर्स शायद ये गाड़ी उन सबसे कम ऑफर करती हो, बट स्टिल पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ ऑफर होती हैं ये गाड़ी उनसे ऊपर ये फीचर्स के लिहाज से। इसमें एयरमेड सस्पेंशन भी आता है जिससे आप इस गाड़ी की राइट हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं लाइक दिस, और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। इसके अलावा इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली दी गई हैं, ये गाड़ी इंपोर्टेड है तो इसमें बैक ग्लास जितने भी हैं ये टिंटेड आते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस गाड़ी में प्राइवेसी कर्टन भी आते हैं, अगर मैं डोर खोलूंगा तो यहाँ पे अलग से कर्टन दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसमें फिर सनरूफ भी आती है, ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं।
इसके बाद अगर बात की जाए इसका रियर लुक की, तो ये पूरी ही कार की तरह काफी अग्रेसिव है। अगेन फ्रंट की तरह इसमें बैक पे टेल लाइट्स भी काफी पॉइंटी दी गई हैं, जो कि एल शेप में हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो बैक पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, रिवर्स कैमरा भी दिया गया है, टेल गेट भी इस गाड़ी में पावर्ड आता है, जो कि आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और ये स्प्लिट में है, ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाता है इस तरह से, लेकिन नीचे वाला पोर्शन नीचे नहीं आता, इसको आप खुद खोल के नीचे करेंगे लाइक दिस। लेकिन ये सक्शन वाला है, इसको खोल के आप यहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ थी इस एरा की। अब जो L300 आई है नई, उसमें ये वाला एरिया नहीं है, उसकी ट्रंक सिंगली पीस है जो कि पूरा ही ऊपर जाता है। बाकी ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर है, तो इसमें थर्ड और सीट्स भी दी गई हैं जो कि साइड पे फोल्ड होती हैं। LX600 में अभी ये सिंकिंग वाली आएंगी, यानी कि फ्लोर के अंदर फोल्ड होंगी। ये वाली सीट्स ट्रंक का काफ़ी अच्छा खासा एरिया खा जाती हैं, इनको आप अनफोल्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं लाइक दिस। Lexus 570 में ये अनफोल्ड और फोल्ड दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, लेकिन लैंड क्रूजर V8 के अंदर ये सिर्फ फोल्ड होती हैं, अनफोल्ड नहीं होती। इनको आप इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बैक पे दो लोग आसानी से बैठा सकते हैं। बैक पे लोगों के लिए अमेनिटीज भी पूरी दी गई हैं इस गाड़ी में, एयरबैग्स भी दिए गए हैं, कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट, सीट बेल्ट, सब कुछ आता है। ट्रंक को बंद करने का सेम प्रोसीजर है, नीचे वाला पोर्शन आप हाथ से बंद करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉनिकली बंद होगा लाइक दिस। इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी स्पॉइलर भी ऑफर करती है, इसमें ब्रेक लैंप दिया गया है और विंडशील वाइपर भी आता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये स्पेसिफिक लेक्सस पूरी ही बेज इंटीरियर के साथ है। यूजुअली इन गाड़ियों में 2 कलर टोन ऑफर होती है, ऊपर की और टोन होती है, नीचे की और टोन होती है प्लास्टिक वाले एरियाज की, लेकिन स्पेसिफिक कार में ये फुल बेज दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी ब्राइट लग रहा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि बेज इंटीरियर वाली गाड़ियाँ ज़्यादा ब्राइट लगती हैं एज कम्पेयर टू ब्लैक इंटीरियर वाली गाड़ियाँ। LX570 में बहुत सारे इंटीरियर कलर टोन ऑफर होते हैं, ब्लैक, वाइट, बेज, फिर इसके अलावा इसमें चेरी भी आता है, ऑरेंज भी आता है और भी काफी सारे कलर्स आते हैं। फिर इसके अलावा आप इसकी वुड की ट्रिम के कलर को भी चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3-स्पोक है और इस गाड़ी के लिहाज से स्टीयरिंग व्हील काफी स्लीक सा है, छोटा सा है। इसकी फील काफी मजे की है। लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं, लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल है मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे लेन की पसेस दिया गया है और इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है स्टीयरिंग के बैक साइड पे। इसके अलावा इस स्टीयरिंग व्हील है भी टेलीस्कोपिक। अगर मैं इस गाड़ी को ऑफ करूंगा तो ये स्टीयरिंग व्हील ऊपर जाएगा, अगर मैं ऑन करूंगा तो ये मेरी बनाई हुई सेटिंग के लिहाज से एडजस्ट करेगा। इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है और इसकी जो ग्रिप्स हैं लेदर की, ये भी सर्दियों में गर्म होती हैं अगर आप इसकी हीट स्टीयरिंग व्हील को ऑन करें तो। इसमें स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। इसके राइट साइड पे इसके हेडलाइट कंट्रोल दिए गए हैं, हेडलाइट में इसके ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है और फॉग भी ये गाड़ी फ्रंट और बैक दोनों पे ऑफर करती है। इसके अलावा वाइपर इस गाड़ी में अगेन रेन सेंसिंग है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी मददगार है। ये अच्छा खासा वाइड मीटर है और इसमें 6 मेन डायल दिए गए हैं। 2 जो मेन डायल हैं ये RPM स्पीडोमीटर का है, और ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल इंजन के साथ आती है तो इसकी रेड लाइन 5.9 से शुरू होती है। फिर इसके अलावा सेंटर में एक MID क्लस्टर दिया गया है, जो कि प्री फेसलिफ्ट कार से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। ये आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एयर एस्केलेटर पर लीटर। फिर इसके अलावा ये गाड़ी आपको टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है, TPM यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर भी शो करवाती है, इसमें कंपास भी आती है, गाड़ी का मीडिया जो चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा, और इसके अलावा ये फिर गाड़ी की हाइट को भी शो करवाती है कि गाड़ी की क्या हाइट है। हाइट के इसके 3 लेवल्स हैं, जो कि मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा आगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही लेदर की फिनिश में है और इसमें हेडअप डिस्प्ले भी आता है, जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये सारा ही लेदर की फिनिश में है और इसके सेंटर में ये काफ़ी मैसेज स्क्रीन दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है और वो ये है कि इसकी स्क्रीन टच में नहीं है। इतना बड़ा पैनल होने के बावजूद आप इसको यहाँ से यूज़ करेंगे, अगर टच होती तो मेरे ख्याल से इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी था। खैर नंदनलेस लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। नीचे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि डार्क ब्राउन है, इनको आप लाइट भी करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा नीचे पे यहाँ पे एयरबड्स दिए गए हैं, सेंटर में लेक्सस की क्लॉक दी गई है जो कि रात के टाइम इल्यूमिनेट करती है। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं और क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है, 2 जोन फ्रंट पे, 2 जोन बैक पे, और इसमें क्लाइमेट कंसीयर्ज का फीचर भी आता है। क्लाइमेट कंसीयर्ज बेसिकली ये फीचर है कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपने जो टेम्परेचर सेट किया है उसके लिहाज से ये गाड़ी हीटेड और कूल सीट्स को भी एडजस्ट करेगी, टेम्परेचर कंट्रोल को भी एडजस्ट करेगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर आपने टेम्परेचर बिल्कुल लो किया हुआ है तो ये कूल सीट्स को फुल पे चलाएगी, अगर टेम्परेचर हाई है तो फिर ये हीटेड सीट्स को ऑन करेगी। ये मेरे ख्याल से एक मजे का फीचर है। और उससे नीचे फिर एक ये सेंटर में प्लैक दिया गया है मार्क्स एंड लेविंसन का, इसमें साउंड सिस्टम प्रीमियम दिया गया है मार्क्स एंड लेविंसन का, जो कि एक एड ऑन फीचर है, LX570 में स्टैंडर्ड नहीं आता। इसको अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे इसका मैप का कार्ड और मीडिया का कार्ड डला हुआ है, और उससे नीचे फिर एक ड्रॉट दी गई है जहाँ पर आप कोई सामान वगैरह रख सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है और सर इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक ये गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है, हालांकि इस एरा की लैंड क्रूजर V8 जो थी
वो हैंड ब्रेक हाथ वाली ऑफर करती थी, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। फिर उसके पीछे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है, इस पर जो गियर सिलेक्शन है वो है PR&D और इसको स्पोर्ट्स में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं यहाँ से भी और पेडल शिफ्टर से भी। उससे पीछे भी यहाँ पे हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, इसमें सीट्स हीटेड भी आती हैं और कूल भी, और ये सिर्फ फ्रंट वाली ही नहीं बल्कि बैक वाली भी आती हैं। इसके अलावा फिर इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है और इसके साथ यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें पैराडाइल की तो ये इसका क्रॉल कंट्रोल का है। क्रॉल कंट्रोल या मल्टी टर्न सिस्टम बेसिकली वो मोड है जिसमें ये गाड़ी किसी भी सरफेस के लिहाज से अपने ड्राइविंग को एडजस्ट करेगी। इसके साथ यहाँ पे फिर इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड ये गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है, कम्फर्ट, इको, नॉर्मल, कस्टम, स्पोर्ट्स और फिर स्पोर्ट्स प्लस। फिर उसके साथ यहाँ पे इसका H4 और L4 का स्विच दिया गया है और उसके साथ इसका हाइट कंट्रोल दिया गया है। इसके हाइट कंट्रोल को ऑन करके इसकी हाइट को आप रेज, नॉर्मल या लोअर कर सकते हैं इस तरह से। और उसके साथ फिर आगे यहाँ पे एक ये जॉयस्टिक दी गई है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के पीछे नेविगेट करेंगे लाइक दिस। उससे पीछे भी इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है और सेंटर कंसोल इसमें अच्छा खासा मैसिव है, ये तकरीबन लिटरली 1 फुट चौड़ा है और इसको ओपन करके आप इसके अंदर से कूल बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। कूल बॉक्स भी इस गाड़ी का काफ़ी वाइड है, इसमें आप एट अ टाइम तकरीबन 6 ड्रिंक्स रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स भी इस गाड़ी की अच्छी खासी चौड़ी हैं और ये सीट्स परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी ठंडी हवा थ्रो करती है आपके ऊपर। और ये सीट्स हैं भी अच्छी खासी कंफर्टेबल, इनके एडजस्टमेंट भी काफ़ी सारी दी गई हैं और इसमें ड्राइवर की सीट के अंदर 3 मिनट फंक्शन भी दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की विंडोज़ की तो ये चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं। साइड मिरर भी इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, हीटेड भी हैं और यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि हेडलाइट स्प्रिंकलर का है, हेडलाइट डिस्प्ले का है और एक बंदा है जो कि थोड़ा सा झुका हुआ है। इस मोड के अंदर अगर आप गाड़ी को रखेंगे तो गाड़ी की जो हाइट है अगर आप गाड़ी जाकर बंद करेंगे तो ये गाड़ी नीचे होगी और जैसे आप इस गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना शुरू करेंगे तो ये गाड़ी दोबारा से ऊपर हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा मोड है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के वैनिटी मिरर की तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट। और इसके अलावा ये है भी एक्सटेंडेबल, इनको आप इस तरह से एक्सटेंड करके अपने आप को सूरज से हर तरफ से बचा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रियर व्यू मिरर की तो इसमें ये ऑटो डिमिंग वाला आता है, यानी कि ये तेज लाइट्स को सेंस करके डिम होता है और इसके सेंटर में फिर ये केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि टच से ऑन होती हैं। लैंड क्रूजर वी एट फंक्शन नहीं आता इवन LC 300 सीरीज में भी, बट इसमें ये टच वाली दी गई हैं। फिर सेंटर में ये सनग्लास होल्डर दिया गया है और इसके सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं, आप इसकी सनरूफ को भी यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी है और बहुत लग्जूरियस भी है। अगर बात की जाए स्पेस की तो मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, और चौड़ाई में भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे 3 लोग तो बहुत आसानी से बिठा सकते हैं, 4 लोग बिठाना चाहें तो वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बैक पे बहुत इक्विप्ड है। बैक पे 2 स्क्रीन दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए जिनको आप फ्रंट से ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ये फ्रंट का ही मीडिया शो करेंगी, लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली यहाँ पे मीडिया देखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे एक ड्रॉट दी गई है जिसको खोल के आप यहाँ पे HDMI पोर्ट कनेक्ट करके अपनी मर्जी के लिहाज से मीडिया प्ले कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के अंदर। इसके अलावा आप हेडफोन लगा के यहाँ पे अपनी मर्जी के लिहाज से सॉन्ग भी सुन सकते हैं। और इसमें फिर यहाँ पे एयरबैंड्स भी बहुत सारे दिए गए हैं। अगर बात की जाए एयरबैंड्स की तो इसमें एयरबैंड्स पाँव पे भी आते हैं, सेंटर में भी आते हैं, सर पे भी आते हैं और सीट्स में भी आते हैं। और बाय द वे ये एयरबैंड्स हैं भी स्मार्ट। सीट्स का जो वेंटिलेटेड वाला ऑप्शन है अगर मैं इसको ऑन करके गाड़ी से बाहर चला जाता हूँ तो ये खुद ही बंद हो जाएगा, जब मैं दोबारा यहाँ आके बैठूंगा तो फिर ही ऑन होगी। अभी मैं इस गाड़ी में जब नहीं था तो ये सीट्स ऑफ थी, लेकिन जैसे मैं यहाँ आके बैठा हूँ ये ऑन हो गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स भी दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सेंटर कंसोल में आता है, सेंटर कंसोल को निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पूरा एक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है क्राउन की तरह का, क्राउन में पहले इस तरह क्लाइमेट कंट्रोल आता था। यहाँ पे 2 इंडिविजुअल जोन्स हैं और इसमें रेयर दोनों सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। इनके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर सेंटर में एक ये ड्रॉट दी गई है जिसको खोल के आप इसके अंदर से एक रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन जो है ये भी फ्रंट स्क्रीन की तरह ही टच में नहीं आती, इसके लिए रिमोट दिया गया है जिससे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक को भी एक्सेस कर सकते हैं। और बैक पे रियर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी दिए गए हैं और प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं। प्राइवेसी कर्टन्स को आप यहाँ से निकाल के इस तरह से लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसके रियर डोर के अंदर 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, ऊपर एक ट्विटर है, नीचे स्पीकर है और उसके नीचे एक और मेन स्पीकर है। ये ऊपर वाले जो 2 एक्स्ट्रा स्पीकर्स हैं ये बेसिकली मार्क्स एंड लेमेंसन वाले पैकेज में आते हैं। सिंपल कार में ये वाला एरिया ब्लैंक होता है, ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की तो इंजन LX 570 एक ही ऑफर करती है, 5.7 लीटर V8। लैंड क्रूजर V8 में छोटे इंजन भी आते हैं इसलिए उनकी ड्यूटीज कम होती हैं, लेकिन ये गाड़ी कंपैरेटिवली उनसे बहुत ज़्यादा महंगी भी है। और इसके अलावा इसमें टैक्सेस वगैरह भी थोड़े ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 6 करोड़ रुपए भर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए इतना इशू होने नहीं वाले।
खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 398 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से, और इसके अलावा इंजन हैवी वेट पावर के लिहाज से ये कहीं से भी आपको अंडर पावर फील नहीं होगा। अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 की एवरेज देगी डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। फिलहाल मीटर पर यह गाड़ी 5.5 की एवरेज शो कर रही है जो कि मेरे ख्याल से ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से। रिबॉन अगर आप रफ यूज करें तो वो भी आपको 6 की एवरेज देती है, लेकिन ये गाड़ी इतनी बड़ी है और 5 की एवरेज देती है। खैर इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है, इस पर ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, एयर सस्पेंशन भी आता है, और इसके अलावा फिर इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है और ये हाइड्रोलिक से ओपन होता है। बाकी इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टी टेरेन सिस्टम, क्रॉल कंट्रोल सिस्टम, ड्राइविंग मोड, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और भी बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज ऑफर करती है LX 570, यह है 275, 50 और 21। इसमें 21 इंच का रिम दिया गया है जो कि लुक्स के लिहाज से बड़ा मजेदार है। इसकी स्पोक्स काफी स्लीक सी दी गई है जो कि इसकी लुक को बहुत अच्छा बना रही है, और इसकी टारगेट प्रोफाइल क्योंकि सिर्फ 50 है तो ये थोड़ा लो प्रोफाइल लग रहा है और लुक्स के लिहाज से बेहतर लग रहा है। और बाय द वे आप इसकी हाइट को भी ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप हाइट के साथ इसकी लुक बहुत मजेदार आती है जो कि मैंने आपको दिखाई है पहले। और इसके अलावा एयर सस्पेंशन होने की वजह से इस गाड़ी की राइड भी काफी स्मूथ है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ड्राइविंग मोड भी ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं, और टायर भी स्पेसिफिक कार में डनलॉप का ग्रैंड ट्रैक है जो कि एक अच्छा टायर है और आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।